बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ मुंतशिर आलम फ्रॉम मोतिहारी ईस्ट चंपारण बिहार। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री चैप्टर से है। प्रॉब्लम है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ आर इजिकल टू ए 1 प्लस कॉस एन थीटा। ये एक फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है। यहाँ पर ए एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, मीन्स ए पैरामीटर है जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देके डिफरेंट डिफरेंट कर्व के इक्वेशन यानी फैमिली ऑफ कर्व के इक्वेशन को फाइंड किया जा सकता है। तो फैमिली ऑफ कर्व दे रखी है क्योंकि ए की कई मेंबर होंगे इस फैमिली के, ए की डिफरेंट वैल्यू देके कई मेंबर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमको फाइंड करना है इस फैमिली ऑफ इक्वेशन का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है उसको हम लोग लिखते हैं और इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं पूरे इक्वेशन को। ए कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन एन थीटा होगा, लेकिन ये थीटा नहीं था, एन थीटा था, इसलिए इसका दोबारा से थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा साइन एन थीटा और एन बाहर निकलने पर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बन हो गया। इस तरीके से जो डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू निकली अभी यहाँ पर, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना होगा डी थीटा ओवर डी आर में ताकि आगे हमारे लिए आसानी हो जाए। तो इसके लिए हम इस टर्म को लेफ्ट से राइट और इसको हम राइट से लेफ्ट की तरफ ले आएंगे, साथ में इस माइनस साइन को भी ले आएंगे। तो माइनस वन अमा एन हो जाएगा अगर वन का इनटू माने तो, एन को ट्रांसपोज कर दिया तो यहाँ पर बचा है साइन एन थीटा इनटू डी थीटा ओवर डी आर। ये इक्वेशन जो आया है वो इक्वेशन वन का यानी फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन आया। अब हमें इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का अगर इक्वेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे, यानी इस कर्व के जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है तो अब इससे हम फाइंड कर सकते हैं इस कर्व के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको फाइंड करने के लिए बस हमें रिप्लेस करना होता है डी थीटा ओवर डी आर को रिप्लेसिंग डी थीटा ओवर डी आर बाई माइनस वन अपान आर स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा। वी गेट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन वन। तो यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसा कि अभी हमने लिखा है क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पर, बाकी ऐसे रहेगा एज इट। माइनस वन अपान एन रहेगा इज इक्वल टू साइन एन थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी आर को रिप्लेस करना है माइनस वन अपान एन स्क्वायर इंटू डी आर ओवर डी थीटा से। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो, और एन स्क्वायर को जो यहाँ पर यहाँ पर आर स्क्वायर है उसको यहाँ पर लिखा रहने दें, आर स्क्वायर को डी आर की तरफ रखना होगा और डी थीटा को थीटा वाले जो फैक्टर हैं उनकी तरफ रखना पड़ेगा। मीन्स हम इसको इंटीग्रेट करके फाइंड कर लेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन। अभी ये उसके यानी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है पहले तो ये देखेंगे कि वेरिएबल को सेपरेट करना। दो वेरिएबल हैं यहाँ पर आर और थीटा, तो हम यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हम जब सेपरेट करें तो ध्यान रहे कि डी थीटा और डी आर दोनों न्यूमरेटर में रहें। तो उसके लिए हम देख रहे हैं डी आर अपान में आर स्क्वायर, डी आर पहले से हमारा न्यूमरेटर में था, डी थीटा डिनोमिनेटर में था, इसको राइट हैंड साइड में लिया है तो ये डिवाइड हो रहा था, तो उधर रख के मल्टीप्लाई यानी न्यूमरेटर में आ गया।
और साइन थीटा को भी इस तरफ ले आएँ, यानी लेफ्ट हैंड साइड में इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा साइन एन थीटा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है और इसको अपने सेपरेट भी कर दिया है वेरिएबल को, अब बस इंटीग्रेट करना बाकी रह गया है। जैसे ही इंटीग्रेट कर लेंगे वैसे ही हम ऑब्टेन कर लेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन। तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे तो वन अपन साइन की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कॉस सेक एन थीटा डी थीटा, और राइट हैंड साइड में इसे वन अपन आर स्क्वायर, इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो पावर माइनस का टू हो जाएगी। तो यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है और राइट हैंड साइड में आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, सॉरी इंटीग्रेशन हो रहा है। तो कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, लॉग ऑफ टेन एन थीटा बाई टू होता है। बस ये ध्यान रहे जो भी यहाँ पर थीटा का कॉफिशेंट है उससे हम पूरे को वैल्यू जो भी होगी उसको डिवाइड कर देंगे। अगर कॉसिक थीटा होता है तो लॉग टेन थीटा बाई टू हो जाता ओनली, लेकिन यहाँ पर थीटा का कॉफिशेंट एन है, यहाँ पर एन से डिवाइड करना पड़ेगा जो भी इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। और राइट हैंड साइड में हम लोग जानते हैं कि पावर जो भी हो उसमें एक जुड़ जाता है, अपान में उतना ही आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट जोड़ दें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ये फैमिली ऑफ कर्व यानी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन आ गया, जो इक्वेशन वन की यानी कर्व वन की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है। इसको और अच्छी फार्म में अगर करना चाहते हैं, ये अगर इतना छोड़ना चाहते हैं तो ये भी हमारा आंसर है, इसको और अच्छी फार्म में कर लें, क्योंकि ये भी थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और कांस्टेंट को हम अगर इस फार्म में जोड़ना चाहें थोड़ा अच्छे फार्म में तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी हम यहाँ से सी भी जोड़ सकते हैं या फिर हम इस सी को रिप्लेस करके इसी फार्म में जोड़ देंगे, यानी लॉग सी की फार्म में भी जोड़ सकते हैं। और एन ये इकट्ठा एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं या फिर यहाँ पर माइनस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस कर देना है ताकि इधर जब लेफ्ट हैंड साइड में आए इस फार्म में आ जाए और जुड़ के दोनों को हम एक बना देंगे। तो जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ टेन। तो कहीं पर भी आंसर कर सकते हैं, सी जोड़ के ख़त्म कर दें या फिर यहाँ पर हम इस तरीके से जोड़ लिया तो इधर आके प्लस हो जाएगा लॉग सी अपान एन, राइट हैंड साइड में आर की पावर माइनस वन, अपान में ये माइनस वन है। अब वन अपान एन दोनों में कॉमन है, यानी इन दोनों टर्म्स में इनमें वन अपान आर को कॉमन लेने के बाद वन अपन एन को दोनों में से कॉमन अगर ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा लॉग ऑफ टेन एन थीटा बाई टू प्लस लॉग सी बचेगा। और राइट हैंड साइड में ये माइनस, इस माइनस को हम यहाँ पर लिख सकते हैं और इस आर की पावर माइनस को प्लस करना चाहें तो अपान में लिख देंगे तो आर के पावर प्लस के वन हो जाएगी। वन अपन एन लॉग दो बार है, बीच में प्लस का साइन है तो लॉग को एक बार लिखें और जो भी लॉग के साथ में आ रहे थे यानी ये वैल्यू थी इनका आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी सी का और इस टेन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सी इंटू टेन एन थीटा बाई टू का मल्टीप्लिकेशन हो गया। राइट हैंड साइड में माइनस वन अपान ये आर के इक्वल है, इस एन को भी चाहें तो हम राइट हैंड साइड में पहुंचा सकते हैं। हम यहाँ पर लॉग हटाने की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो आप जहाँ पर चाहें आप इस पर छोड़ सकते हैं, आंसर हमारा कम्प्लीट है। लॉग ऑफ सी इंटू टेन एन थीटा आंसर किसी भी फार्म में आ सकता है, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने अभी कॉसिक का इंटीग्रेशन किया था तो उसके कई फार्मूले हैं तो हमने इस फार्मूले का इस्तेमाल किया है। तो एन का आधा इंटू कर देंगे तो माइनस एन अपान ये आर हो जाएगा, क्योंकि एन डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो गया। अब लॉग को हटा देंगे, हम लोग जानते हैं लॉग में यहाँ पर नहीं लिखा होता है लेकिन बेस ई होता है, जब एंटी लॉग लेते हैं तो इधर से लॉग हट जाता है, बचेगा सी टेन ऑफ एन थीटा बाई टू और राइट हैंड साइड में ई की पावर में पहुंच जाएगा माइनस एन अपान आर। इस तरीके से इतना भी छोड़ा जा सकता है, यस इससे ज़्यादा अब करना ठीक नहीं है, ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाकरुद्दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।